क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री सेक थीटा प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर थीटा जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, वो जानते हैं कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ये वन होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं माइनस का टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन माइनस का सेक थीटा। तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो क्या देखेंगे भाई, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और माइनस वाला चीज़ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि थ्री सेक थीटा और प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ कि वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस थ्री सेक थीटा प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर थ्री जो है प्लस में, सॉरी प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया है तो प्लस वाला चीज़ जो है माइनस हो जाएगी, माइनस वाला चीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसको चेंज करना भूल गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से देखो ये थ्री जो है माइनस में है प्लस में है वन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का टू, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का थ्री सेक थीटा और माइनस का टू हो जाएगा, माइनस का टू इक्वल्स टू जीरो। अब ये चीज़ माइनस में, इसको अगेन हम प्लस में बना लेते हैं आसानी के लिए, तो अगेन दोबारा से माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा माइनस वाला चीज़ें प्लस में हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का थ्री सेक थीटा प्लस का टू इक्वल्स टू जीरो। आप इस पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं सेक थीटा को एक्स मान लूँ तो बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू हो जाएगा, दो वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा या एक्स इक्वल्स टू टू आ जाएगा। लेकिन हमें वन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि थीटा जो है 90 से छोटा आना चाहिए। अगर मैं टू रखूँगा, अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू टू रखता हूँ तो टू किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब इसी को यहाँ पर पुट कर देना है, जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू 60, तो साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री अपन में टू, कॉट 60 कितना होता है, वन अपन में रूट थ्री। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो टू रूट थ्री हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना थ्री, यहाँ से हो जाएगा टू, यानी ये हो जाएगा फाइव वन में टू रूट थ्री, और फाइव वन में टू रूट थ्री तो हमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे टू रूट थ्री अपन में टू रूट थ्री, दो से आपका एक दो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, पाँच रूट तीन बटे में सिक्स, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।